प्यारे छात्र, शुभ प्रभात। प्यारे छात्रों, आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा: समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज को रवि, दिनकर, भास्कर, सूर्य आदि कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे भारत में 23 भाषाएं बोली जाते हैं और हर एक चीज़ को अनेक भिन्न भाषा भाषी अनेक शब्दों से, अनेक नामों से पुकारते हैं। इसीलिए हमारे पढ़ाई में पर्यायवाची शब्द का होना जरूरी है। तो जैसे अब आपके सामने आ रहा है कि अपमान, अपमान को का पर्यायवाची शब्द है अनादर, उपेक्षा, तिरस्कार, अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, वन, जंगल, विपिन, कानन, असुर, राक्षस, दैत्य, निशाचर, अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, अहंकार, गर्व, घमंड, मद, आनंद, मोद, प्रमोद, आमोद, आँख, नेत्र, चक्षु, नयन, आकाश, व्योम, गगन, नभ, आग, अग्नि, पावक, शिखी, आभूषण, भूषण, गहना, अलंकार, शिक्षा, इच्छा, कामना, आकांक्षा, लालसा, इंद्र, सूर्यपति, देवेंद्र, सुरेश, ईश्वर, ईश, परमात्मा, प्रभु, उषा, प्रभात, सवेरा, भोर, उद्यम, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, उपाय, तरीका, यत्न, साधन, उत्सव, पर्व, त्यौहार, समारोह, कपड़ा, वस्त्र, अंबर, पट, कमल, सरोज, पंकज, मनोज, कान, कर्ण, स्रोत, श्रवण, किनारा, कूल, तट, तीर, क्रोध, कोप, गुस्सा, रोष, खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, केस, बाल, अलक, कच्छ। प्रिय छात्रों, अब निम्नलिखित शब्दों के तुम लोग खुद पर्यायवाची शब्द लिखो: गणेश, गंगा, गुरु, गौ, घर, घोड़ा, चंद्र, चतुर, जल, जीव, तलवार, तारा, तीर, दंत, दरवाजा, दास, दिवस, देवता। अच्छा बच्चे, धन्यवाद।